आखिर राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस परीक्षा में देरी हो क्यों रही है? और ये परीक्षा अभी तक कब अभी तक इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं आया राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से? और परीक्षा एक्चुअली सर कब होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, ये राजस्थान वाले स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान हैं इस बारे में, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार, मैं आप सभी का भूषण साइंस में फिर से स्वागत करता हूँ, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, राजस्थान में एग्जाम होना चाहिए बहुत ही जल्दी, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको 1 अगस्त से सारे सारी यूनिवर्सिटीज को नया सेशन चालू करना है। और आज अपन 26 जुलाई को ये बात कर रहे हैं, ये अपन और मैं, आप और मैं डिस्कशन कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये क्यों होने वाला है, मतलब हो ही नहीं रहा है एग्जाम। सर, एग्जाम कब होगा? अगर होना भी है तो अभी तक कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आया राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज थोड़ी सी अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं आपको अंतिम के 10 दिन की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको राजस्थान का अगर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम माय डियर स्टूडेंट्स क्रैक करना है तो आपको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि सर एग्जाम में देरी क्यों हो रही है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, सब जो जो मेरे को लगता है, जो मेरे को सिनेरियो लगता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे सबसे पहले सेमेस्टर का मेन एग्जाम चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का। इसका मेन एग्जाम चल रहा है राजस्थान में, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का, पहले सेमेस्टर का, और ये अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, ये अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ये राजस्थान की वेबसाइट है, आप इसमें देख सकते हो कि टाइम टेबल फॉर बीएससी नर्सिंग जुलाई वाला 2024 का, यहाँ पे एग्जाम बैच का 2023-24 का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आया हुआ है। डी फार्मा का भी एग्जाम चल रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो डी फार्मा का भी माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम यहाँ पे चल रहा है। अब इसके चलते एक तो वैसे ही लेट है, इसके चलते ऑलरेडी लेट है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इस बार 2024 में ना लोकसभा के चुनाव थे, तो सर लोकसभा के चुनाव का हमारे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से क्या लेना देना? माय डियर स्टूडेंट्स, लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, जिसको बोलते हैं अपन कोड ऑफ कंडक्ट। उस कोड ऑफ कंडक्ट में होता क्या है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टाफ को भी वहां पर इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ता है, तो उससे क्या है यूनिवर्सिटी के काम काज में थोड़ी देरी होती है माय डियर स्टूडेंट्स। इसकी वजह से इसका एग्जाम फॉर्म इतना लेट निकला कि अभी 20 तारीख तक तो एग्जाम फॉर्म इन्होंने भरवाए हैं, ये 20 जुलाई तक, अब 26, आज 26 तारीख हो गई, आज तक भी अता पता नहीं है कि एग्जाम कब होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वाले ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा सोचें, है ना, कि ये थोड़ी सी आपके थोड़ी सी लापरवाही की वजह से काफ़ी कुछ हो सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम डेट जल्दी से जल्दी रिलीज करें राजस्थान वाले। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ये बोल रहा हूं कि थोड़ा मेल करके आप लोग वेबसाइट पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट, आपको उसके ऑफिशियल मेल आईडी आपको उसके उससे मिल जाएगी, वेबसाइट से, वहाँ पे आप बार बार मेल करके उनसे पूछिए कि सर ये आप आखिर एग्जाम लेने कब वाले हो, अब एग्जाम लेने के बाद काउंसलिंग कब कराओगे, और काउंसलिंग कराने के बाद अलॉटमेंट कब दोगे, अलॉटमेंट देने के बाद कब वेरिफिकेशन होगा, कब फीस जमा होगी, उस प्रोसीजर में भी तो टाइम लगेगा। इसके चलते ऑलरेडी लेट हो जाएगा, और ऑलरेडी लेट हो चुका है और लेट हो जाएगा सेशन। तो मेरे हिसाब से आने वाले 10 दिन में एग्जाम हो जाना चाहिए, जितना जितना मेरे को पता है 21-22 में, 21-22 के ईयर में एक बार ऐसा हुआ था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 5 दिन 6 दिन पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड निकाल दिए थे, कि भाई उन्होंने एग्जाम डेट नहीं बताई थी, डायरेक्ट एडमिट कार्ड निकाल दिए थे और बोले थे कि इस दिन एग्जाम होने वाला है।
पर वो सिनेरियो आज के केस में पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि 21-22 में देने वाले बच्चे की संख्या कम थी। आज आज 2024 में राजस्थान बीएससी नर्सिंग की देने वाली संख्या 4 गुना उससे हो चुकी है। 4 साल में एटलीस्ट 4 गुना हो जाती है संख्या। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि वो वाला केस शायद पॉसिबल नहीं हो। पर बहरहाल जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का को जो भी मेरे हिसाब से है, उसको ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ी चर्चा करते हैं सर, एग्जाम डेट की पॉसिबिलिटी क्या है। देखो, जितना पुराना एक्सपीरियंस है मेरा और क्या बोलते हैं हमारी टीम का, हमको ये बात पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा तो वो कब होगा सर? संडे को ही होगा। तो अगस्त, अब आज 26 तारीख है, तो 28 जुलाई को तो एग्जाम नहीं होगा, तो पता है क्योंकि 28 तारीख तो मतलब जुलाई है, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आज कल सुबह चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। अब सर पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 4 अगस्त को संडे है, या तो 11 अगस्त को संडे है सर, या तो 18 को संडे है, और एक 25 अगस्त को संडे है। अब देखो दोस्तों, 4 अगस्त को मेरे हिसाब से एग्जाम होना चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। भली राजस्थान वालों को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है, पर मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उसका रीजन बताता हूँ दोस्तों, 11 अगस्त को अगर आप 11 अगस्त को अगर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी राजस्थान की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एलडीसी का एग्जाम है 2 शिफ्ट में, ऑलरेडी 11 अगस्त को एग्जाम है। दूसरा, 18 अगस्त को भी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, 11 को तो मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम 2 शिफ्ट में, एलडीसी का एग्जाम, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। अब एलडीसी का एग्जाम है, 18 अगस्त को पॉसिबल नहीं है सर, क्यों? माय डियर स्टूडेंट्स, 19 अगस्त को राखी है, 19 अगस्त को क्या है सर? राखी है। तो अब 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो 18 अगस्त को जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग हैं वो भी तो अपने घर बार से जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। तो राजस्थान राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 18 अगस्त को एग्जाम रख पाए, इसकी भी चांसेस कम है, इसके भी चांसेस कम है। कुछ जो लोग हमारी बहन, देश की बहनें दूर 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 दराज में जॉब करती हैं, है ना, वो माइग्रेट करती हैं अपने घर पे, तो 19 तारीख को अगर रक्षाबंधन है तो 19 तारीख को तो माइग्रेट करेंगी नहीं, 18 तारीख या 17 तारीख को माइग्रेट करेंगी। या आपस में भाई बहन कहीं मिलना चाहेंगे तो वो डिसाइड करेंगे तो ट्रेन की टिकट कराएंगे। अरे भाई, ट्रेन की टिकट तो पहले से ही हो चुकी होगी। तो 18 तारीख को एग्जाम रखना राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए, उनको सबसे बड़ा दिक्कत 18 तारीख को एग्जाम रखने में क्या होगा? मैन पावर का, कि मैन पावर उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि 19 तारीख को राखी है, 18 18 19 ऐसे ही चला गया। अब 25 अगस्त तो काफी लेट हो जाएगा दोस्तों, पूरा महीना निकल गया, मतलब आज से जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको पब्लिश होगा, उससे 1 महीना बाद एग्जाम होगा, ऐसा मेरे हिसाब से संभव नहीं है, मेरे हिसाब से संभव नहीं है। ये बात राजस्थान यूनिवर्सिटी भी समझ रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 90% ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ अभी कि एग्ज़ाम 4 अगस्त को ही होना चाहिए। इसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ, संभावना है चेंज होने की, पर जो मेरे को लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, 4 अगस्त को ही पेपर होगा। इसकी मैं संभावना 90 की बजाय आपको 85% क्यों बोल रहा हूँ, 15% अभी चांसेस हैं कि राजस्थान वाले 25 तारीख को करा दें। देखो, 11 और 18 को मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जाम, अच्छा एग्जाम संडे को होता है, अच्छा अगर राजस्थान वालों का मूड बदल गया कि नहीं सर हम संडे को नहीं कराएंगे, हम 4 अगस्त से 11 अगस्त के बीच करा सकते हैं, तो कभी भी हो सकता है एग्जाम। तो 4 से 11 के बीच बहुत सारे दिन हैं, आप कोई भी अच्छा दिन चुन के एग्जाम करा सकते हो। बच्चों के लिए मुहूर्त मुहूर्त आप लोगों के लिए वो मुहूर्त फोड़ नारियल फोड़ देंगे और मुहूर्त निकाल देंगे, है ना। अच्छा, दूसरी बड़ी चुनौती क्या है दोस्तों? दूसरी बड़ी चुनौती इनके पास ये है कि राजस्थान का एग्जाम सिर्फ एक ही सेंटर में होता है, जयपुर में। अब जयपुर एक ही सेंटर पे एग्जाम होना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ही सेंटर में इतने सारे लोगों को देना,
भाई आप लोग जाओ नहीं जाओ, लेकिन सेंटर तो अलॉट करना पड़ेगा, तो सेंटर भी तो खाली होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये दूसरी चुनौती है। ये सारे चीजों को देखते हुए जो मेरा अनुमान है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये बोलता है कि 4 तारीख को एग्जाम हो जाना चाहिए। तो आने वाले मेरे हिसाब से 1-2 दिन में आपको 28 ये संडे तक, 28 या 29 तक भी, चलो 30 भी मान लो, आपको एग्जाम की डेट का इंटीमेशन मिल जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है माय डियर स्टूडेंट्स। और मेरे को लगता है ये अनुमान सही होगा, बाकी तो अब राजस्थान वालों के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं मान लेता हूं कि सर 4 तारीख को एग्जाम होता है, तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स 10 डेज बचे हैं। तो इस 10 डेज की स्ट्रेटजी भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ कि क्या रहनी चाहिए आपके 10 डेज की स्ट्रेटजी। आपको आखिरी के 10 दिन, आपने जो ये इम्पॉर्टेंट 10 दिन है आपके, जो आपने पढ़े हैं, आपने पूरा 6 महीना साल भर जिन्होंने मेहनत किया है, उनको ये 10 दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों रिवीजन। अब रिवीजन भी 2 टाइप के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। रिवीजन का क्या सीन है कि देखो, रिवीजन 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल और रेट्रोग्रेड। इसका मतलब सर, नॉर्मल रिवीजन में क्या होता है, आप पन्ने पलटाते हो, है ना। वो रिवीजन दोस्तों नॉर्मल उन केस के लिए होता है, उन टॉपिक्स के लिए होता है जो आपको 90% आते हैं। आपको 90% आप श्योरिटी है उसमें कि आपको, माय डियर स्टूडेंट सर हमको यहाँ पे 90% हमको ये अच्छे से आते हैं, हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक 90% आता हो या हर चैप्टर 90% आता हो, ऐसा नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए सर रेट्रोग्रेड रिवीजन, जिसमें आपको 60% से 60-70% अगर आपको वो टॉपिक आता है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, रेट्रोग्रेड रिवीजन। अब ये क्या होता है, ये सिंपल है, आपको रिवीजन करना है क्वेश्चंस के थ्रू। आप उस टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने जाओ, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू। जब आप एमसीक्यू लगाओगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका दिमाग चलेगा, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवली काम करेगा। अब जब वो एक्टिवली काम करेगा, जब आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये टॉपिक तो मेरे को समझ ही नहीं आया है, या इसमें मैं कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी एक्स वाई जेड आपका रीजन है। तो उस टॉपिक, उस क्वेश्चन से थ्रू आप उसके थ्योरी में जाओगे दोस्तों। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड रिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड रिवीजन। और ये क्लास के 10 डेज में ज़्यादा काम आता है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है एग्जाम में, एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एज कम्पेयर टू आपके बोर्ड एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है। दूसरा, आपको शॉर्ट नोट्स, आपको अगर आपने बनाया तो अच्छी बात है, बनाया तो उससे पढ़ते चलो, अगर नहीं बनाया तो मेरे हिसाब से फिजिक्स में आप फॉर्मूला शीट बना लो, फिजिक्स में आप फॉर्मूला शीट बना लो। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो जो आपको टॉपिक नहीं समझ आते हैं, उसके छोटे छोटे नोट्स बना के उनको पढ़ते चलो। दोस्तों क्या होता है, लास्ट के 10 दिन में ना इतनी बड़ी नोटबुक से रिवीजन करना, जो आपने नोट्स बनाए वो थोड़ा दिक्कत जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। अच्छा, अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं बनाए तो शॉर्ट नोट्स बनाने अब मत बैठना। अब क्या करना, एकदम जो आपको नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, उसको उसको थ्योरी नोटबुक से पढ़ लिया और उसका थोड़ा सा लिख लिया, बस। पूरे कोर्स का बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो 10 दिन निकल जाएंगे, ये काम नहीं करना है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो नहीं बनाए हैं उनको फिजिक्स में क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में जो जो चीज़ें आप अक्सर भूल रहे हो, मतलब केमिस्ट्री में हो सकता है कि सर हम रिएजेंट भूल जा रहे हैं, बायोलॉजी में हो सकता है कि सर हमको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के जो जेनरिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, सॉरी, वो याद नहीं रह रहे, तो उसको याद करने के लिए आप छोटे मोटे नोट्स बना लो, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाए। लेकिन आप बैठ के पूरा शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे तो ये अभी लास्ट के 10 दिन में मैं आपको कतई इसकी एडवाइस नहीं दूंगा, नहीं करना। वही करेंगे शॉर्ट नोट्स, वही पढ़ेंगे जिन्होंने बनाए, नहीं बनाए फॉर्मूला शीट बना लो। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान वालों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है चालू कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको
टाइम मैनेजमेंट स्किल, कौन सा पेपर, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कितने समय बैठना है, कितने समय उठना है, कौन सा क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन में कम टाइम देना है, सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट्स आपको मॉक टेस्ट बताएगा। तो मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाते हो और सीधा मुंह उठा के जाते हो एग्जाम में तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी सीधा प्रैक्टिस, वहां पे सीधा आप जाके मेन गोल पे टारगेट कर दो। कोई भी क्रिकेट खेलने भी जाते हैं या फुटबॉल भी खेलते हैं तो पहले नेट प्रैक्टिस होती है। मॉक टेस्ट आपका एक तरह का एग्जाम की नेट प्रैक्टिस है। पहले से आप क्या कर रहे हो सर, प्रिपेयर होके जा रहे हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री में, मैं वापिस बोल रहा हूँ, फ्री में आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में आपको चार मॉक टेस्ट ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे और आपको और मॉक टेस्ट मिलते जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कहाँ करना है सर, भूषण साइंस प्लस ऐप पर, भूषण साइंस प्लस ऐप पर आपको एक क्वेश्चन फ्री मटेरियल में, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा भूषण साइंस प्लस ऐप पे आपको फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मैराथन हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की चल रही है। अगर आपकी आप लाइव आ सकते हो अच्छी बात है, नहीं आ सकते हो रिकॉर्डेड देख लो, पर आपको ये तीनों चीजें जो ऊपर की तीनों चीजें वो तो करना ही है। लास्ट के 10 दिन में मैं मैराथन के लिए ये बोलूंगा कि आपको आ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी आ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये तो थी आपको लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी, आपको क्या करना चाहिए। ये इसी चैनल पे चल रही है, भूषण साइंस की रिकॉर्ड, भूषण साइंस नर्सिंग पे ये चैनल पे चल रही है ये रिकॉर्डिंग, ठीक, लाइव क्लास चल रही है। अच्छा, अब ये बात भी आपके दिमाग में रोशन रहनी चाहिए कि आपको ये 10 दिन में क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको कोई भी नया बैच किसी भी कहीं से भी परचेज नहीं करना है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ दोस्तों, 10 दिन में आप लोग कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर लोगे एक बैच को लेके, पैसे ही बर्बाद होंगे आपके। तो नया बैच अभी कोई भी परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे क्रैश कोर्स हो चाहे नॉर्मल कोर्स हो। मेरे में हमारे यहाँ खुद चल रहे हैं बैच, पर मैं आपको मना कर रहा हूँ कि नहीं मत करो। हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं क्रैश कोर्स के, लेकिन मैं खुद मना कर रहा हूँ कि नहीं करना है, क्योंकि आपको बैच परचेज करके खासा 10 दिन में कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा फायदा होता नहीं है। अगर आप 1-1.5-2 महीने पहले बात करते तो मैं फिर भी एक बार बोलता कि कर लो, एक बार 2 महीने में कुछ ना कुछ पढ़ लोगे। लेकिन अभी 10 दिन में कोई बैच परचेज नहीं करना है, वो क्रैश कोर्स हो नॉर्मल बैच हो कुछ नहीं हो। हाँ, अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो और आपने डेडिकेटेडली प्लान बना लिया है कि नहीं सर मैं अगले साल ही निकालूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन 10 दिन में 2024 में आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए कोई बैच परचेज नहीं करने। न्यू बुक्स और चैप्टर आपको नया, जो एकदम आपके लिए नया चैप्टर है जो आपने कभी साल भर पढ़ाई नहीं या फिर 20-25-30% पढ़ा है उसको भी नहीं पढ़ना है। आखिरी के 10 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट और नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इन पे ध्यान देना है आपको। दोस्तों मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे क्या ज्यादा बहुत पूरा अपने दिन का काफी टाइम क्लासेस और सेशन में निकाल देते हैं कि भाई सर हम सेशन तो देख रहे हैं ना, उसको स्टडी बोलते हैं, उसको स्टडी नहीं बोलते हैं। आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है, आपको क्लासेस देखनी है वही जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, हो सकता है किसी के लिए हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि उसने क्वेश्चन नहीं किए, किसी के लिए वो भाग काफ़ी कम इंपॉर्टेंट हो कि नहीं सर मैंने क्वेश्चन तो किया, अब मेरे को रिविजन करना है, तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा। पर आप जबरदस्ती सेशंस मत देखना, मेरा आपको ये पर्सनल एडवाइस है कि जबरदस्ती के सेशन मत देखना। और इतना भी सेशंस पूरा फुल टाइम बैठ के यूट्यूब में बैठे हैं या फिर कुछ कुछ क्या करते हैं अभी और बताता हूँ आपको, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, लेस नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, वो जो सेल्फ स्टडी यही करते हैं। इसकी वजह से ना ये आपको जो सेल्फ स्टडी करना चाहिए वही क्या हो जाते हैं, वही नहीं कर पाते। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 10 दिन में आपको करनी पड़ेगी। वैसे तो साल भर वो इंपॉर्टेंट रहती है और सेल्फ स्टडी अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको 10-12 घंटे अभी सेल्फ पूरी स्टडी करनी चाहिए। इसमें से 2-3 घंटे अगर आप मैराथन देख रहे हो तो मिनिमम 8-9 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अब कुछ लोग इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हेल्थ के लिए, है ना, क्या कि वो लोग स्लीप टाइम अपना कम कर देते हैं, बाहर खाना खाने लगते हैं कि भाई सर कुछ अच्छा बाहर मिल रहा है तो बाहर खा ले। माय डियर स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ का इस टाइम में टाइम ख्याल बहुत रखना है। वैसे भी बारिश का मौसम है,
है ना, तो बारिश के मौसम में थोड़ा बीमारियों बीमारी होने की संख्या, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, स्लीप टाइम आप एटलीस्ट 6 से 7 घंटा सोइए, और लास्ट दिन तो 8-9 घंटे सो के जाना, ताकि आपका दिमाग स्ट्रेस्ड नहीं रहे। अगले दिन जब आप एग्जाम दोगे, आपका दिमाग फुल्ली फ्रेश हो, रिलैक्स्ड रहे, फोकस्ड रहे। अच्छा, ओवर कुछ कुछ लोग कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ना, जैसे आपका सपोज करना वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग है, आपका केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, बायोलॉजी में एनिमल और प्लांट किंगडम बहुत स्ट्रांग है, या प्लांट किंगडम बहुत स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग है, इसको बार बार पढ़ते हैं, उनको मजा आता है कि भाई हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, उसी के क्वेश्चन बार बार लगाते हैं, एनिमल किंगडम के क्वेश्चन बार बार लगा रहे हैं। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक चैप्टर से पूरा पेपर थोड़ी आ जाएगा, पूरा पेपर तो सब जगह से आएगा ना, तो स्ट्रांग चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन ओवर स्टडिंग नहीं करनी है, बार 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 उसी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, आपको वीक चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू स्ट्रांग चैप्टर्स। आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के 10 दिन में। कुछ लोग लास्ट के 10 दिन में ईगो सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रांग चैप्टर्स बार बार पढ़ते हैं, नहीं करना माय डियर स्टूडेंट्स, वीक चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना। ओके अच्छा, कुछ लोग एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में ही परेशान रहते हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, अगर हो भी गया सर तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इससे इसके रिलेटेड ना फिर बार बार यूट्यूब में मोटिवेशन सेशन देखते हैं। दोस्तों अभी आपको फोकस्ड रहने का समय है, अभी आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर इंटरनली मोटिवेशन है तो आप कर जाओगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन पे रिलाय नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग इस बारे में कि सर मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा अच्छा, ये सब बारे में आपको सोचना ही नहीं है। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम में दुश्मन है। तो सर हमको क्या करना चाहिए, देखो स्ट्रेस ना कुछ नहीं करने से आता है। आप अगर अगर आप अगर आप रोज रोज अपना रिवीजन करते रहोगे, प्रॉपर रूटीन फॉलो करते रहोगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और कुछ करना चाहते हो पर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्रेस आता है। तो आप निरंतर एक बेहतरीन रूटीन बना लो अपना 10 दिन का, वो आप कस्टमाइज अपने हिसाब से करो, वो 4 चीज़ आपको कैसे करनी है कि सर मेरे को मैराथन भी देखना है, मेरे को शॉर्ट नोट्स भी करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को रिवीजन करना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। इसका रूटीन आप खुद ही सेट कर लो, स्ट्रेस आपको नहीं आएगा अगर आप आराम से अच्छे से ईमानदारी से काम करोगे तो। ठीक अच्छा, अब ये जो है ना 9th वाला पॉइंट, ये इसके स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन होता है, ये होता है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। कुछ लोग क्या एग्जाम को लेके इतने सीरियस हो जाते हैं कि लाइफ जीना ही भूल जाते हैं। मतलब 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं और पढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, 1-2 घंटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1-2 घंटा अपनी लीजर टाइम के लिए भी आप समय निकालो, है ना, वो भी जरूरी है। थोड़ा मूवी देख लो या कुछ और कर लो, आपकी अगर कोई हॉबी है तो वो कर लो, किसी को जिम जाना अच्छा लगता है जिम चले जाओ, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है वो गिटार बजा लो आप, या फिर आपको किसी को शांत रहना अच्छा लगता है 1 घंटा कि भाई जिंदगी में बहुत तनाव है 1 घंटा शांत रहेंगे तो वो भी कर लो, लेकिन आपको एग्जाम के तरफ सीरियस होना है, लाइफ के तरफ नहीं। तो ये 9th वाला संख्या स्टूडेंट्स की बहुत कम रहती है, लेकिन होती है, इसलिए मैं डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों ये जो 9 पॉइंट्स थे ये आपको बिल्कुल नहीं करने है ना, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में स्ट्रेटेजी यहाँ पे समझा दिया हूँ। इसके बाद भी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मेरी जनसभा रहती है सुबह 10:30 बजे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, उसमें आप आके लाइव मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके यथा संभव जितना हो सके एक्यूरेटली आपके आंसर्स दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था पूरा राजस्थान का पूरा स्ट्रेटजी सेशन और क्यों एग्जाम कब का, सारे चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको ये शेयर ये
सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों, यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम क्रैक कर दीजिए दोस्तों। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।